तो दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड किन नाम की इस सीरीज के बारे में जो कि एक तरह से हमें देखने को मिली है अभी नेटफ्लिक्स द्वारा और लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है तो इसकी सारी कुछ जानकारी आपको बताएगी जैसे कि प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग साथ ही साथ इसकी के बारे में भी आपको जानकारी बताएगी तो वीडियो को कर दे लाइक चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं बोर्ड एक आयरिश डार्क कॉमेडी थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसमें सात एपिसोड हैं जिसे ब्रिटिश लेखक जेज शार्फ ने आयरिश तटीय शहर में रचा है इसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 9 मई 2024 को हुआ वन ठिव कास्ट विल फोर्टे गिल्बर्ट पावर एक अमेरिकी पॉडकास्टर जो अपनी आयरिश जड़ों की खोज कर रहा है डव से सियोभान कुलेन डब्लिन के एक खोजी पत्रकार रॉबिन कैरा एमी गिल्बर्ट की पॉडकास्टर सहायक डेविड विलमोट सीमस गैलाघर के रूप में क्रिस वॉली सीन ओशिया गार्डा योन के सीन ओग केन्स पीटर बैंकोल चार्ल्स केरी मैक्लीन मेव के रूप में नैश एडगर्टन जन्म 19 जनवरी 1973 एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक स्टंटमैन और अभिनेता हैं और फिल्म निर्माण समूह ब्लूटंग फिल्म्स के प्रमुख सदस्य हैं प्रारंभिक जीवन एजर्टन का जन्म ब्लैकटाउन न्यू साउथ वेल्स में हुआ था और वे ड्यूरल दोनों सिडनी के उपनगर में बढ़े वह मैरियन वैन डॉर्ट के बेटे हैं जो एक गृहिणी हैं और माइकल एजर्टन जो एक वकील संपत्ति डेवल पर हैं एक दो तीन उनके छोटे भाई अभिनेता जोएल एजर्टन हैं। उनकी मां एक डच आप्रवासी हैं जिनका जन्म दहेग में हुआ था फोर फाइव कैरियर स्टंटमैन एक स्टंटमैन के रूप में उन्होंने द मैट्रिक्स ट्रिलॉजी द थिन रेड लाइन सुपरमैन रिटर्न्स और सबसे खास तौर पर स्टार वार्स एपिसोड टू अटैक ऑफ द क्लोन्स और स्टार वार्स एपिसोड थ्री रिवेंज ऑफ द सित जैसी फिल्मों में इवान मैकग्रेगर के स्टंट डबल के रूप में काम किया है जिन्होंने ओबीवान केनोबी की भूमिका निभाई थी छे, उनके भाई जोएल युवा ओवेन लार्स के रूप में उन्हीं फिल्मों में दिखाई दिए निदेशक एजर्टन के करियर के दौरान उन्होंने कई बार खुद की भूमिका वाली लघु फिल्में बनाई हैं जैसे स्पाइडर और बियर उन्होंने कलाकार बॉब डायलन बियॉन्ड हियर लाइज नौथिन मस्ट बी सांता ड्यूक्स एंड वसल और द नाइट वी कॉल्ड इट ए डे के लिए कुल चार संगीत वीडियो भी निर्देशित किए हैं उनकी फीचरलेंथ निर्देशन की पहली फिल्म द स्क्वायर 2008 थी जो एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूनोयर थ्रिलर थी निर्देशक के रूप में उनकी सबसे हालिया फ़िल्म ग्रिंगो थी जो 2018 में रिलीज हुई थी 2018 से 2021 तक एजर्टन ने मिस्टर इन बिटवीन के हर एपिसोड का निर्देशन किया जो स्कॉट रयान द्वारा अभिनीत और लिखित एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन ब्लैक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है यह सीरीज रयान की 2005 की फिल्म द मैजिशियन से रूपांतरित है जिसे एजर्टन ने एक लघु फिल्म से रयान को विस्तारित करने में मदद की थी एजर्टन की सौतेली बेटी चिका यासुमुरा इस सीरीज में रयान के किरदार की बेटी के रूप में दिखाई देती है व्यक्तिगत जीवन एजटन ने 2011 में कार्ला रफिनो को डेट करना शुरू किया और 1 अप्रैल 2014 को उनकी शादी हो गई वह अपनी पिछली शादी से हुई बेटी चिका यासुमुरा के सौतेले पिता है सात आठ उनकी एक बेटी भी है जिसका जन्म 2015 में हुआ था नाइन छैन फिल्मोग्राफी फिल्म पुलिस रेस्क्यू इन एक्शन उन्नीस एलेक्स के साथी के रूप में टीवी विशेष लोडेड उन्नीस सौ छियानवे रिचर्ड के रूप में लघु फिल्म किरण डार्सी स्मिथ द्वारा सहनिर्देशित डेडलाइन लाइन उन्नीस युवा फिल्म निर्माता के रूप में लघु फिल्म ब्लडलॉक उन्नीस सौ यान के रूप में लघु फिल्म किरण डार्सी स्मिथ द्वारा सहनिर्देशित टू हैंड्स उन्नीस सौ निन्यानवे स्टंट द मैट्रिक्स उन्नीस सौ निन्यानवे रेजिस्टेंस मेंबर बटा स्टंट डबल के रूप में बिना श्रेय के द पिच 2001 लघु फिल्म मॉलिन रूज 2001 स्टेज हैंड के रूप में स्टंट टीम बिना श्रेय के स्टार वार्स एपिसोड टू अटैक ऑफ द क्लोन्स 2002 स्टंट फ्यूल 2003 लघु फिल्म द मैट्रिक्स रिलोडेड 2003 सिक्योरिटी गार्ड पांच द मैट्रिक्स रिवोल्यूशंस 2003 स्टंट्स लकी 2005 लघु फिल्म द आई एफ थिंग 2005 लघु फिल्म स्टार वार्स एपिसोड थ्री रिवेंज ऑफ द सिथ 2005 स्टंट मैकबेथ 2006 हजार छह के रूप में स्टंट्स सुपरमैन रिटर्न्स 2006 स्टंट स्पाइडर 2007 लघु फिल्म एएमरबे दो हजार सात टीवी फिल्म द स्क्वायर 2008 निर्देशक हेशर 2010 स्टंट समन्वयक नाइट एंड डे 2010 हजार दस स्टंट भालू दो लघु फिल्म आईएम नंबर फोर दो हजार ग्यारह मोग के रूप में स्टंट्स जीरो डार्क थर्टी 2012 नेट के रूप में इओडी स्टंट डबल द ग्रेट गैट्स बी दो स्टंट डबल बटा स्टंट कलाकार द ब्लिंग रिंग 2013 स्टंट कोऑर्डिनेटर द वूलवरिन 2013 स्टंट फेलोनी 2013 हजार तेरह स्टंट समन्वयक बटा स्टंट डबल द रोवर दो हजार चौदह टाउन सोल्जर के रूप में सन ऑफ अ गन दो हजार चौदह क्रिस के रूप में द इक्वलाइजर दो हजार चौदह टेडीज गाय के रूप में स्टंट्स बिना श्रेय जेन गॉट अ गन दो हजार पन्द्रह फर ट्रेडर के रूप में स्टंट द गिफ्ट दो हजार पंद्रह फ्रैंक डेल के रूप में स्टंट ग्यारह स्ट्रेट आउट्टा कॉम्पटन 2015 हजार स्टंट अमेरिकन अल्ट्रा 2015 बीडल के रूप में स्टंट सिनेस्टर दो 2015 स्टंट माइल्स अहेड 2015 स्टंट डबल द नाइस गाइज 2016 स्टंट्स बिना श्रेय द रार्कनेस 2016 स्टंट कोऑर्डिनेटर अमेरिकन पेस्टोरल 2016 स्टंट समन्वयक बीसवीं सदी की महिलाएं 2016 स्टंट समन्वयक कृपया खड़े रहें 2017 स्टंट समन्वयक ब्राइट 2017 स्टंट ब्लीडिंग स्टील 2017 स्टंट अमेरिकन एक्सप्रेस 2017 बॉय इरेज 2018 स्टंट कोऑर्डिनेटर ग्रिंगो 2018 निर्देशक लिटिल मॉन्स्टर्स 2019 स्टंट वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 2019 स्टंट कलाकार बटा स्टंट बेबी टीथ 2019 स्टंट समन्वयक ऑल द ब्राइट प्लेसेस 2020 स्टंट कोऑर्डिनेटर। द इनविजिबल मैन 2020 सिक्योरिटी गार्ड के रूप में टेलीविजन लव चाइल्ड 2016 स्टंट एक एपिसोड मिस्टर इमबिट्वीन 2018 ट्रेंड के रूप में निर्देशक एक एपिसोड वुल्फ लाइक मी 2022 अतिथि भूमिका बोर्किन 2024, निर्देशक दो एपिसोड संगीत वीडियो जो द्वारा लायर 2002, निर्देशक कंफर्ट मी शिहाद द्वारा 2002, निर्देशक गुड डांसर्स द स्लीपी जैक्सन 2004, निर्देशक बॉब डायलन द्वारा मस्ट बी सांता 2009, निर्देशक बियॉन्ड हियर लाइज नौथिन बॉब डायलन द्वारा 2009 निर्देशक हाफ मास्ट स्लाइट रिटर्न एम्पायर ऑफ द सन 2010 हजार दस निर्देशक क्रॉसफायर ब्रैंडन फ्लावर्स 2010 निर्देशक स्ट्रॉन्ग लंदन ग्रामर द्वारा अभिनेता बॉब डायलन द्वारा ड्यूक्सन व्हसल दो हजार निर्देशक बॉब डायलन द्वारा द नाइट वी कॉल्ड इट एडे दो हजार निर्देशक शो बिजनेस हिलटॉप हुड्स फीट इमोन 2012 निर्देशक पुरस्कार और नामांकन अरिया संगीत पुरस्कार अरिया संगीत पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जो ऑस्ट्रेलियाई संगीत की सभी शैलियों में उत्कृष्टता नवीनता और उपलब्धि को मान्यता देता है इनकी शुरुआत उन्नीस में हुई थी बराक हुसैन ओबामा द्वितीय बटा बी आके एच यू बी एम बटा बी सेनओ बाह एम एक जन्म 4 अगस्त 1961 सौ एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने दो शून्य शू नौ से दो हजार सत्रह तक संयुक्त राज्य अमेरिका के चवालीसवें राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी वे संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने पहले 2005 से 2008 तक इलिनोइस का प्रतिनिधित्व करने वाले अमेरिकी सीनेटर के रूप में इलिनोइस राज्य के सीनेटर में और एक सामुदायिक सेवा आयोजक नागरिक अधिकार वकील और विश्वविद्यालय व्याख्याता के रूप में कार्य किया ओबामा का जन्म होनोलुलू हवाई में हुआ था उन्होंने उन्नीस में कोलंबिया विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए किया और बाद में शिकागो में एक सामुदायिक आयोजक के रूप में काम किया 1988 में ओबामा ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया जहां वे हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अश्वेत अध्यक्ष थे वह नागरिक अधिकार वकील और शिक्षाविद बन गए उन्नीस से दो तक शिकागो लॉ स्कूल में संवैधानिक कानून पढ़ाया वह वैकल्पिक राजनीति में भी गए ओबामा ने उन्नीस से 2004 तक इलिनोइस सीनेट में तेरहवें जिले का प्रतिनिधित्व किया जब वे सफलतापूर्वक अमेरिकी सीनेट के लिए दौड़े 2008 में हिलेरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ एक करीबी प्राथमिक अभियान के बाद उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया ओबामा राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन मैकेन को हराकर राष्ट्रपति चुने गए और 20 जनवरी 2009 को उनका शपथ ग्रहण हुआ नौ महीने बाद उन्हें 2009 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया इस निर्णय की आलोचना और प्रशंसा दोनों हुई ओबामा के पहले कार्यकाल के कार्यों ने वैश्विक वित्तीय संकट को संबोधित किया और इसमें महान मंदी से उबरने में अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन पैकेज जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कर कटौती का आंशिक विस्तार स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए कानून एक प्रमुख वित्तीय विनियमन सुधार विधेयक और इराक़ में एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का अंत शामिल था ओबामा ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सोनिया सोटोमोर और एलेना कागन को भी नियुक्त किया पूर्व सुप्रीम कोर्ट में पहली हिस्पैनिक अमेरिकी थीं उन्होंने आतंकवाद विरोधी छापे का आदेश दिया जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया और बुश के विद्रोह विरोधी मॉडल को कम करके आका हवाई हमलों का विस्तार किया और विशेष बलों का व्यापक उपयोग किया जबकि मेजबान सरकार की सेनाओं पर अधिक निर्भरता को प्रोत्साहित किया रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी मिट रोमनी को हराकर दोबारा चुनाव जीतने के बाद ओबामा ने 20 जनवरी 2013 को दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली अपने दूसरे कार्यकाल में ओबामा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम उठाए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए और कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए एक कार्यकारी आदेश दिया ओबामा ने अफोर्डेबल केयर एक्ट और अपने पहले कार्यकाल में पारित अन्य कानूनों के कार्यान्वयन की अध्यक्षता भी की उन्होंने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया और क्यूबा के साथ संबंधों को सामान्य किया ओबामा के दूसरे कार्यकाल के दौरान अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई हालांकि ओबामा के पूरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सैनिक देश में बने रहे ओबामा ने एलजीबीटी अमेरिकियों के लिए समावेश को बढ़ावा दिया और उनके राष्ट्रपति पद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ओबरगफ़ेल बनाम होजेस में समालिंग विवाह प्रतिबंधों को असंवैधानिक करार दिया ओबामा ने 20 जनवरी 2017 को पद छोड़ दिया और वाशिंगटन डीसी में रहना जारी रखा शिकागो में उनके राष्ट्रपति पुस्तकालय का निर्माण 2021 में शुरू हुआ पद छोड़ने के बाद से ओबामा डेमोक्रेटिक राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं उन्होंने विभिन्न अमेरिकी चुनावों में उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है जैसे कि उनके पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी सफल बोली में राजनीति से बाहर ओबामा ने तीन बेस्टसेलर पुस्तकें प्रकाशित की हैं ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर उन्नीस सौ पंचानवे द ऑडेसिटी ऑफ होप 2006 और ए प्रोमिस्ड लैंड (2020)। विद्वानों और इतिहासकारों की रैंकिंग जिसमें उन्हें 2010 से चित्रित किया गया है उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपतियों के मध्य से ऊपरी स्तर पर रखता है दो तीन चार उन्हें अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावी प्रचारकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है उनके 2008 के अभियान को विशेष रूप से सफल और आकांक्षी के रूप में उजागर किया गया धार्मिक दृष्टिकोण ओबामा एक प्रोटेस्टेंट ईसाई हैं जिनके धार्मिक विचार उनके वयस्क जीवन में विकसित हुए 108 उन्होंने द ऑडेसिटी ऑफ होप में लिखा कि उनका पोषण धार्मिक घराने में नहीं हुआ उन्होंने अपनी मां का वर्णन किया जिनका पालन पोषण गैरधार्मिक माता पिता ने किया था जो धर्म से अलग थीं फिर भी कई मायनों में सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति जिन्हें मैंने कभी जाना है और धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद के लिए एक अकेली गवाह उन्होंने अपने पिता का वर्णन पक्का नास्तिक के रूप में किया जब उनके माता पिता मिले थे और उनके सौतेले पिता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो धर्म को विशेष रूप से उपयोगी नहीं मानते थे ओबामा ने बताया कि कैसे अपने बीसवें दशक में एक सामुदायिक आयोजक के रूप में काले चर्चों के साथ काम करने के माध्यम से उन्हें सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अफ्रीकी अमेरिकी धार्मिक परंपरा की शक्ति समझ में आई 109. ओबामा और उनकी पत्नी एक भीड़ भरे चर्च में खड़े हैं आगे की ओर देख रहे हैं और प्रार्थना करते समय उनका मुंह खुला हुआ है ओबामा दंपत्ति जनवरी 2013 में वाशिंगटन डीसी के अफ्रीकन मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च में पूजा करते हुए जनवरी 2008 में ओबामा ने क्रिश्चियनिटी टुडे को बताया मैं एक ईसाई हूं और मैं एक धर्मनिष्ठ ईसाई हूं मैं यीशु मसीह की मुक्तिदायी मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करता हूं मेरा मानना है कि यह विश्वास मुझे पाप से शुद्ध होने और अनंत जीवन पाने का मार्ग देता है एक सौ दस सत्ताईस सितम्बर दो हजार दस को ओबामा ने अपने धार्मिक विचारों पर टिप्पणी करते हुए एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया मैं अपनी मर्जी से ईसाई हूं मेरा परिवार ऐसा नहीं करता था सच कहूं तो वे लोग नहीं थे जो हर हफ्ते चर्च जाते थे और मेरी मां उन सबसे आध्यात्मिक लोगों में से एक थीं जिन्हें मैं जानता था लेकिन उन्होंने मुझे चर्च में नहीं पाला इसलिए मैं जीवन में बाद में अपने ईसाई धर्म में आया और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह के उपदेशों ने मुझे उस तरह के जीवन के बारे में बताया जो मैं जीना चाहता हूं अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखना दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा वे मेरे साथ करते हैं वन हन्ड्रेड अलेवन वन हंड्रेड ट्वेल्व ओबामा ने अक्टूबर उन्नीस में ट्रिनिटी यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट के पादरी जेरेमिया राइट से मुलाकात की और उन्नीस में ट्रिनिटी के सदस्य बन गए एक मई 2008 में ओबामा के पहले राष्ट्रपति अभियान के दौरान राइट के कुछ बयानों की आलोचना होने के बाद उन्होंने ट्रिनिटी से इस्तीफ़ा दे दिया एक सौ में वाशिंगटन डीसी में जाने के बाद से ओबामा परिवार ने कई प्रोटेस्टेंट चर्चों में भाग लिया है जिम्मे शिलोह बैप्टिस्ट चर्च और सेंट जॉन एपिस्कोपल चर्च साथ ही कैंप डेविड में एवरग्रीन चैपल शामिल हैं लेकिन परिवार के सदस्य नियमित रूप से चर्च में नहीं जाते हैं 115, 116, 117। फिफ्टीन सिक्सटीन वन में उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ वस्तुओं से प्रेरणा मिलती है जो उन्हें रास्ते में मिले सभी अलग अलग लोगों की याद दिलाती हैं उन्होंने आगे कहा मैं इन्हें हर समय अपने साथ रखता हूं मैं इतना अंधविश्वासी नहीं हूं इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि मुझे हर समय इन्हें अपने पास रखना होगा पूरा कटोरा भर वस्तुओं में पोप फ्रांसिस द्वारा उन्हें दी गई माला हिंदू देवता हनुमान की एक मूर्ति इथियोपिया से एक कॉप्टिक क्रॉस एक भिक्षु द्वारा दी गई एक छोटी बुद्ध प्रतिमा और एक धातु पोकर चिप शामिल है जो आयोवा में एक मोटरसाइकिल चालक का लकी चार्म हुआ करता था 118, 119 कानूनी कैरियर नागरिक अधिकार वकील वह डेविस माइनर बारनेहिल एंड गैलैंड में शामिल हो गए जो तेरह वकीलों वाली एक कानूनी फर्म है जो नागरिक अधिकार मुगदमेबाजी और पड़ोस के आर्थिक विकास में विशेषज्ञता रखती है जहां वह उन्नीस से उन्नीस तक तीन साल के लिए एसोसिएट थे फिर उन्नीस से 2004 तक वकील रहे उन्नीस में उन्हें ब्यूक्स रॉबर्सन बनाम सिटी बैंक फेड में वकीलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था सेव बैंक चौरानवे सी चार हजार चौरानवे इंडी इलिनोइस यह सामूहिक मुकदमा उन्नीस सौ चौरानवे में सिल्मा ब्यूक्स रॉबर्सन के साथ मुख्यवादी के रूप में दायर किया गया था और आरोप लगाया गया था कि सिटी बैंक फेडरल सेविंग्स बैंक ने समान क्रेडिट अवसर अधिनियम और निष्पक्ष आवास अधिनियम के तहत निषिद्ध प्रथाओं में भाग लिया था मामला अदालत के बाहर सुलझा लिया गया था उन्नीस से 2002 तक ओबामा ने शिकागो के वुड्स फंड के निदेशक मंडल में काम किया जो उन्नीस में डेवलपिंग कम्युनिटीज प्रोजेक्ट को फंड देने वाला पहला फाउंडेशन था और जॉयस फाउंडेशन में छप्पन उन्होंने उन्नीस से 2002 तक शिकागो एनेमबर्ग चैलेंज के निदेशक मंडल में काम किया उन्नीस से उन्नीस तक निदेशक मंडल के संस्थापक अध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में छप्पन ओबामा का लॉ लाइसेंस 2007 में निष्क्रिय हो गया 120 121 विधायी विधाई कैरियर इलिनोइस सीनेट उन्नीस से 2004 मुख्य लेख बराक ओबामा का इलिनोइस सीनेट कैरियर ओबामा और अन्य लोगों की तस्वीर जिसमें वे एक सड़क चिन्ह लिए हुए हैं जिस पर लिखा है मानद मिल्टन डेविस बुलेवर्ड राज्य सीनेटर ओबामा और अन्य लोग उन्नीस में शोर में शोरबैंक के सहसंस्थापक मिल्टन डेविस के नाम पर शिकागो में एक सड़क का नामकरण किए जाने का जश्न मनाते हुए ओबामा उन्नीस में इलिनोइस के सीनेट के लिए चुने गए उन्होंने इलिनोइस के तेरहवें डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक स्टेट सीनेटर एलिस पामर का स्थान लिया जो उस समय हाइड पार्क केनवुड से दक्षिण में साउथ शोर और पश्चिम में शिकागो लॉन तक शिकागो साउथ साइड पड़ोस में फैला हुआ था एक एक बार चुने जाने के बाद ओबामा ने नैतिकता और स्वास्थ्य देखभाल कानूनों में सुधार करने वाले कानून के लिए द्विदलीय समर्थन प्राप्त किया एक सौ 12 उन्होंने एक कानून प्रायोजित किया जिसने निम्नाय वाले श्रमिकों के लिए कर क्रेडिट बढ़ाया कल्याण सुधार पर बातचीत की और चाइल्ड केयर के लिए बढ़ी हुई सब्सिडी को बढ़ावा दिया 125 सौ में प्रशासनिक नियमों पर द्विदलीय संयुक्त समिति के सहाध्यक्ष के रूप में ओबामा ने रिपब्लिकन गवर्नर जॉर्ज रेयान के पे डे लोन विनियमों उन्नीस में उन्हें आम चुनाव में रिपब्लिकन येस यहुदा को हराकर इलिनोइस सीनेट के लिए फिर से चुना गया और 2002 में फिर से चुना गया एक सौ अट्ठाईस एक सौ उनतीस दो हज़ार में वह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में इलिनोइस के पहले कांग्रेस जिले के लिए डेमोक्रेटिक प्राथमिक दौड़ में चार बार के मौजूदा बॉबी रश से दो से एक के अंतर से हार गए 13 जनवरी दो हज़ार तीन में ओबामा इलिनोइस सीनेट की स्वास्थ्य और मानव सेवा समिति के अध्यक्ष बने जब एक दशक तक अल्पमत में रहने के बाद डेमोक्रेट ने बहुमत हासिल किया एक सौ इकतीस उन्होंने पुलिस को हिरासत में लिए गए ड्राइवरों की जाति रिकॉर्ड करने की आवश्यकता के द्वारा नस्लीय प्रोफाइलिंग की निगरानी करने के लिए सर्वसम्मति से द्विदलीय कानून पारित किया और इलिनोइस को हत्या की पूछताछ की वीडियो टैपिंग अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बनाने का कानून बनाया एक सौ पच्चीस एक सौ बत्तीस एक सौ तैंतीस एक सौ अमेरिकी सीनेट के लिए अपने दो हजार चार के आम चुनाव अभियान के दौरान पुलिस प्रतिनिधियों ने मृत्युदंड सुधारों को लागू करने में पुलिस संगठनों के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए ओबामा को श्रेय दिया एक सौ पैंतीस दो हज़ार चार अमेरिकी सीनेट अभियान मुख्य लेख दो हज़ार चार इलिनोइस में संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट चुनाव मई दो हज़ार दो में ओबामा ने दो हज़ार चार के अमेरिकी सीनेट चुनाव में अपनी संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण करवाया उन्होंने एक अभियान समिति बनाई धन जुटाना शुरू किया और अगस्त 2002 तक राजनीतिक मीडिया सलाहकार डेविड एकसलरोड को नियुक्त किया ओबामा ने औपचारिक रूप से जनवरी 2003 में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की 137 ओबामा जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के 2003 के इराक पर आक्रमण के शुरुआती विरोधियों में से एक थे एक सौ अड़तीस दो अक्टूबर 2002 को जिस दिन राष्ट्रपति बुश और कांग्रेस इराक युद्ध को अधिकृत करने वाले संयुक्त प्रस्ताव पर सहमत हुए एक ओबामा ने पहली हाई प्रोफाइल शिकागो इराक युद्ध विरोधी रैली को संबोधित किया एक और युद्ध के खिलाफ बोला एक उन्होंने मार्च 2003 में एक और युद्ध विरोधी रैली को संबोधित किया और भीड़ से कहा कि युद्ध को रोकने के लिए बहुत देर नहीं हुई है वन रिपब्लिकन वर्तमान पीटर गेराल्ड और उनके डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती कैरोल मोसले ब्रॉन के चुनाव में भाग नहीं लेने के फ़ैसले के परिणामस्वरूप पन्द्रह उम्मीदवारों के बीच व्यापक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन प्राथमिक प्रतियोगिता हुई एक मार्च 2004 के प्राथमिक चुनाव में ओबामा ने अप्रत्याशित रूप से भारी जीत हासिल की जिसने रातों रात उन्हें राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक उभरता सितारा बना दिया राष्ट्रपति पद के भविष्य के बारे में अटकलें शुरू हो गईं और उनके संस्मरण ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के पुनर्प्रकाशन का कारण बना एक जुलाई 2004 में ओबामा ने 2004 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में मुख्य भाषण दिया 145 जिसे 9 मिलियन दर्शकों ने देखा उनके भाषण को खूब सराहा गया और डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को ऊंचा किया एक आम चुनाव में ओबामा के संभावित प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन प्राथमिक विजेता जैक रेयान जून 2004 में दौड़ से हट गए एक सौ सैंतालीस छह हफ्ते बाद एलन कीज़ ने रियान को बदलने के लिए रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार कर लिया एक सौ अड़तालीस नवम्बर दो हज़ार चार के आम चुनाव में ओबामा ने सत्तर प्रतिशत वोट के साथ जीत हासिल की जो इलिनोइस के इतिहास में सीनेट उम्मीदवार के लिए जीत का सबसे बड़ा अंतर था एक उन्होंने राज्य की 102 काउंटियों में से बानवे पर कब्ज़ा कर लिया जिनमें कई ऐसे भी थे जहां डेमोक्रेट पारंपरिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं अमेरिकी सीनेट 2005 से 2008 यह भी देखें बराक ओबामा का संयुक्त राज्य सीनेट कैरियर और संयुक्त राज्य सीनेट में बराक ओबामा द्वारा प्रायोजित बिलों की सूची ओबामा की तस्वीर जिसमें वे अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके मुस्कुरा रहे हैं पृष्ठभूमि में कैपिटल बिल्डिंग और आसमान दिखाई दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के सदस्य के रूप में ओबामा का आधिकारिक चित्र ओबामा ने 3 जनवरी 2005 को एक सीनेटर के रूप में शपथ ली 150 वे कांग्रेसन ब्लैक कॉकस के एकमात्र सीनेट सदस्य बने एक सौ इक्यावन उन्होंने अपने नाम से दो पहल की शुरुआत की लुगर ओबामा जिसने नलुगर सहकारी खतरा न्यूनीकरण अवधारणा को पारंपरिक हथियारों तक विस्तारित किया एक सौ बावन और 2006 का संघीय वित्त पोषण जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम जिसने संघीय खर्च पर एक वेब सर्च इंजन यूएसएसपेंडिंग की स्थापना को अधिकृत किया एक सौ तिरपन तीन जून 2008 को सीनेटर ओबामा ने सीनेटर टॉम कार्पर टॉम कोबर्न और जॉन मैकिन के साथ मिलकर अनुवर्ती कानून पेश किया 2008 का संघीय खर्च अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना 154 दिसंबर 2006 में राष्ट्रपति बुश ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य राहत सुरक्षा और लोकतंत्र संवर्धन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए जो ओबामा के प्राथमिक प्रायोजक के रूप में लागू होने वाला पहला संघीय कानून था एक सौ छप्पन एक सौ सत्तावन जनवरी 2007 में ओबामा और सीनेटर फिंगोल्ड ने ईमानदार नेतृत्व और खुली सरकार अधिनियम में एक कॉरपोरेट जेट प्रावधान पेश किया जिसे सितंबर 2007 में कानून में हस्ताक्षरित किया गया था 158, 159। बाद में 2007 में ओबामा ने व्यक्तित्व विकार वाले सैन्य निर्वहनों के लिए सुरक्षा उपाय जोड़ने हेतु रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन को प्रायोजित किया एक सौ साठ यह संशोधन 2008 के वसंत में पूर्ण सीनेट में पारित हो गया 161 उन्होंने ईरान के तेल और गैस उद्योग से राज्य पेंशन फंड के विनिवेश का समर्थन करने वाले ईरान प्रतिबंध सक्षम अधिनियम को प्रायोजित किया जिसे कभी अधिनियमित नहीं किया गया लेकिन बाद में 2010 के व्यापक ईरान प्रतिबंध जवाबदेही और विनिवेश अधिनियम में शामिल किया गया एक और परमाणु आतंकवाद के जोखिमों को कम करने के लिए कानून का सह प्रायोजन किया एक ओबामा ने राज्य बाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में एक सीनेट संशोधन को भी प्रायोजित किया जो युद्ध से संबंधित चोटों वाले सैनिकों की देखभाल करने वाले परिवार के सदस्यों के लिए एक वर्ष की नौकरी सुरक्षा प्रदान करता है 164 ओबामा ने दिसंबर 2006 तक विदेश संबंध पर्यावरण और लोक निर्माण और वयोवद्ध मामलों के लिए सीनेट समितियों में कार्यभार संभाला एक सौ पैंसठ जनवरी 2007 में उन्होंने पर्यावरण और लोक निर्माण समिति छोड़ दी और स्वास्थ्य शिक्षा श्रम और पेंशन और होमलैंड सुरक्षा और सरकारी मामलों के साथ अतिरिक्त कार्यभार संभाला एक वे यूरोपीय मामलों पर सीनेट की उपसमिति के अध्यक्ष भी बने एक सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य के रूप में ओबामा ने पूर्वी यूरोप मध्य पूर्व मध्य एशिया और अफ़्रीका की आधिकारिक यात्राएं की अब्बास के फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने महमूद अब्बास से मुलाकात की और नैरोबी विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने के न्याय सरकार के भीतर भ्रष्टाचार की निंदा की एक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के लिए अपने संक्रमण काल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 16 नवंबर 2008 को अपनी सीनेट सीट से इस्तीफा दे दिया 10 फरवरी 2007 को ओबामा ने इलिनोइस के स्प्रिंगफील्ड में ओल्ड स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की 170, 171 घोषणा स्थल का चुनाव प्रतीकात्मक रूप में देखा गया था क्योंकि यह वह जगह भी थी जहां अब्राहम लिंकन ने एक में अपना हाउस डिवाइडेड भाषण दिया था एक सौ ओबामा ने इराक युद्ध को तेजी से समाप्त करने ऊर्जा स्वतंत्रता बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के मुद्दों पर जोर दिया 173 कई उम्मीदवारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में प्रवेश किया शुरुआती मुकाबलों के बाद क्षेत्र ओबामा और सीनेटर हिलेरी क्लिंटन तक सीमित हो गया पूरी प्राथमिक प्रक्रिया के दौरान दौड़ कड़ी रही लेकिन ओबामा ने बेहतर दीर्घकालिक योजना बेहतर धन उगाहने कोकस राज्यों में प्रभावी आयोजन और प्रतिनिधि आवंटन नियमों के बेहतर दोहन के कारण प्रतिबद्ध प्रतिनिधियों में लगातार बढ़त हासिल की एक सौ चौहत्तर दो जून दो हज़ार आठ को ओबामा को अपना नामांकन हासिल करने के लिए पर्याप्त वोट मिले थे शुरुआती हिचकिचाहट के बाद सात जून को क्लिंटन ने अपना अभियान समाप्त कर दिया और ओबामा का समर्थन किया एक सौ पचहत्तर तेईस अगस्त दो हज़ार आठ को ओबामा ने डेलावेयर के सीनेटर जो बिडेन को अपने उपराष्ट्रपति पद के साथी के रूप में चुनने की घोषणा की एक सौ छिहत्तर एक सौ सतहत्तर एक सौ अठहत्तर ओबामा ने माइल हाई स्टेडियम के इन्वेस्को फील्ड में लगभग चौरासी हजार की भीड़ के सामने अपना स्वीकृति भाषण दिया इस भाषण को दुनिया भर में तीन मिलियन से अधिक लोगों ने देखा एक सौ उनासी एक सौ अस्सी एक सौ इक्यासी प्राथमिक प्रक्रिया और आम चुनाव दोनों के दौरान ओबामा के अभियान ने कई धन उगाने वाले रिकॉर्ड बनाए विशेष रूप से छोटे दान की मात्रा में एक सौ बयासी उन्नीस जून 2008 को ओबामा उन्नीस में प्रणाली के निर्माण के बाद से आम चुनाव में सार्वजनिक वित्त पोषण को ठुकराने वाले पहले प्रमुख पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने 183 जॉन मैककेन को रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था और उन्होंने सारा पोलिन को अपना रनिंग मेट चुना था ओबामा और मैकेन ने सितंबर और अक्टूबर 2008 में तीन राष्ट्रपति पद की बहसों में भाग लिया एक सौ चौरासी चार नवंबर को ओबामा ने मैकेन को प्राप्त एक सौ तिहत्तर के मुकाबले तीन सौ पैंसठ चुनावी वोटों के साथ राष्ट्रपति पद जीता एक सौ पचासी ओबामा ने मैकेन के पैंतालीस दशमलव सात प्रतिशत के मुकाबले बावन दशमलव नौ प्रतिशत लोकप्रिय वोट जीते एक सौ छियासी वह राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने एक सौ सत्तासी ओबामा ने शिकागो के ग्रांड पार्क में लाखों समर्थकों के सामने अपना विजय भाषण दिया एक सौ अट्ठासी एक सौ नवासी वह तीन संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटरों में से एक हैं जिन्हें सीधे अमेरिकी सीनेट से व्हाइट हाउस में स्थानांतरित किया गया है अन्य वॉरेन जी हार्डिंग और जॉन एफ कैनेडी हैं एक सौ नब्बे मुख्य लेख 2012, 2012 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव और बराक ओबामा 2012 राष्ट्रपति अभियान निर्वाचन महाविद्यालय का मानचित्र जिसमें ओबामा को उत्तर पूर्व मध्य पश्चिम प्रशांत पश्चिम और फ़्लोरिडा के कई राज्यों में जीतते हुए दिखाया गया है तथा रोमनी को दक्षिण और रॉकी पर्वतों के कई राज्यों में जीतते हुए दिखाया गया है 2012 चुनावी वोट परिणाम ओबामा 332 से 206 से जीते 4 अप्रैल 2011 को ओबामा ने संघीय चुनाव आयोग में चुनाव के कागज़ात दाखिल किए और फिर 2012 के लिए अपने पुन चुनाव अभियान की घोषणा इट बिगिंस विद अस शीर्षक वाले वीडियो में की जिसे उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया था एक सौ इक्यानवे एक सौ बानवे एक सौ तिरानवे मौजूदा राष्ट्रपति के रूप में वे डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में लगभग निर्विरोध दौड़े एक सौ चौरानवे और 3 अप्रैल 2012 को ओबामा ने डेमोक्रेटिक नामांकन जीतने के लिए आवश्यक दो कन्वेंशन प्रतिनिधियों को सुरक्षित कर लिया एक सौ पचानवे उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में ओबामा और जो बिडेन को पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने आम चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में औपचारिक रूप से नामित किया था 6 नवंबर दो हज़ार बारह को ओबामा ने तीन इलेक्टोरल वोट जीते जो राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने जाने के लिए आवश्यक दो से अधिक थे एक सौ सत्तानवे इक्यावन दशमलव एक प्रतिशत लोकप्रिय वोट के साथ 200 ओबामा फ़्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बाद दो बार लोकप्रिय वोट का बहुमत जीतने वाले पहले डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बने 201 202 ओबामा ने अपने पुनर्निर्वाचन के बाद शिकागो के मैककॉर्मिक प्लेस में समर्थकों और स्वयंसेवकों को संबोधित किया और कहा आज रात आपने हमेशा की तरह राजनीति के लिए नहीं बल्कि कार्रवाई के लिए मतदान किया आपने हमें अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना है न कि हमारे काम पर और आने वाले हफ्तों और महीनों में मैं दोनों दलों के नेताओं के साथ संपर्क करने और काम करने के लिए उत्सुक हूं 203, 204, प्रेसिडेंसी 2009 से 2017, मुख्य लेख बराक ओबामा का राष्ट्रपित्व कालानुक्रमिक मार्गदर्शिका के लिए बराक ओबामा के राष्ट्रपित्व की समयरेखा देखें पहले 100 दिन मुख्य लेख बराक ओबामा के राष्ट्रपित्व के पहले 100 दिन पद की शपथ लेते समय अपना बायां हाथ उठाते हुए ओबामा की तस्वीर 20 जनवरी 2009 को ओबामा ने कैपिटल में मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर द्वारा पद की शपथ ली चवालीसवें राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा का उद्घाटन 20 जनवरी 2009 को हुआ कार्यालय में अपने पहले कुछ दिनों में ओबामा ने कार्यकारी आदेश और राष्ट्रपति ज्ञापन जारी किए जिसमें अमेरिकी सेना को इराक से सैनिकों को वापस बुलाने की योजना विकसित करने का निर्देश दिया गया 205, उन्होंने ग्वांतानामों बेबंदी शिविर को बंद करने का आदेश दिया 206, लेकिन कांग्रेस ने आवश्यक धनराशि को विनियोजित करने से इनकार करके बंद होने से रोक दिया 207, 208 और किसी भी ग्वांतानामों बंदी को स्थानांतरित करने से रोक दिया 209, ओबामा ने राष्ट्रपति के रिकॉर्ड को दी गई गोपनीयता को कम कर दिया दो उन्होंने राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की मैक्सिको सिटी नीति की बहाली को भी रद्द कर दिया जिसमें गर्भपात के बारे में परामर्श देने या प्रदान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों को संघीय सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 211 हंड्रेड नीति यह भी देखें बराक ओबामा प्रशासन की सामाजिक नीति ओबामा द्वारा कानून में हस्ताक्षरित पहला विधेयक लिली लेडबेटर फेयर पे एक्ट 2009 था जो समान वेतन के मुकदमों के लिए सीमाओं के कानून को शिथिल करता है 212 सौ दिन बाद उन्होंने अतिरिक्त चार मिलियन बीमा रहित बच्चों को कवर करने के लिए राज्य बाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के पुन प्राधिकरण पर हस्ताक्षर किए दो मार्च दो में ओबामा ने बुश्युग की नीति को उलट दिया जिसने स्टेम सेल अनुसंधान के वित्त पोषण को सीमित कर दिया था और अनुसंधान पर सख्त दिशा निर्देश विकसित करने का वचन दिया था 214 कांग्रेस को भाषण देते हुए ओबामा की तस्वीर उनके पीछे पेलोसी और बिडेन ताली बजा रहे हैं 24 फरवरी 2009 को ओबामा उपराष्ट्रपति जो बिडेन और सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के साथ कांग्रेस के संयुक्त सत्र में भाषण देते हुए ओबामा ने अपने राष्ट्रपति पद के पहले दो वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने के लिए दो महिलाओं को नियुक्त किया उन्होंने 26 मई 2009 को सोनिया सोटोमोर को सेवानिवृत्त एसोसिएट जस्टिस डेविड सोटर की जगह नामित किया 6 अगस्त 2009 को उनकी पुष्टि की गई 215 वह हिस्पैनिक मूल की पहली सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनी 216 ओबामा ने 10 मई 2010 को एलेना कागन को सेवानिवृत्त एसोसिएट जस्टिस जॉन पॉल स्टीवंस की जगह नामित किया पांच अगस्त 2010 को उनकी पुष्टि की गई जिससे अमेरिकी इतिहास में पहली बार कोर्ट में एक साथ बैठने वाली महिलाओं की संख्या तीन हो गई 217 11 मार्च 2009 को ओबामा ने महिलाओं और लड़कियों पर व्हाइट हाउस परिषद बनाई जो अंतर सरकारी मामलों के कार्यालय का एक हिस्सा थी जिसे कार्यकारी आदेश तेरह द्वारा अमेरिकी महिलाओं और लड़कियों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर उन्हें सलाह देने के लिए एक व्यापक अधिदेश के साथ स्थापित किया गया था परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार वैलेरी जेरेट ने की ओबामा ने 22 जनवरी 2014 को एक सरकारी ज्ञापन के माध्यम से छात्रों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए व्हाइट हाउस टास्क फोर्स की भी स्थापना की जिसमें संयुक्त राज्य भर में कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों पर उन्हें सलाह देने के लिए एक व्यापक अधिदेश था टास्क फोर्स के सहध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो बिडेन और जेरेट थे टास्क फोर्स व्हाइट हाउस काउंसिल ऑन वीमेन एंड गर्ल्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के कार्यालय जुलाई 2009 में ओबामा ने प्राथमिकता प्रवर्तन कार्यक्रम एक आवरजन प्रवर्तन कार्यक्रम शुरू किया जिसकी शुरुआत जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने की थी और सिक्योर कम्युनिटीज फिंगरप्रिंटिंग और आव्रजन स्थिति डेटा साझाकरण कार्यक्रम ट्यू अप्रैल 2010 में एक प्रमुख अंतरिक्ष नीति भाषण में ओबामा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में दिशा में एक नियोजित परिवर्तन की घोषणा की उन्होंने चंद्रमा पर मानव अंतरिक्ष यान की वापसी और एरेस आई रॉकेट एरेस वी रॉकेट और नक्षत्र कार्यक्रम के विकास की योजनाओं को समाप्त कर दिया पृथ्वी विज्ञान परियोजनाओं एक नए रॉकेट प्रकार मंगल ग्रह के लिए एक अंतिम मानवयुक्त मिशन के लिए अनुसंधान और विकास और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चल रहे मिशनों को वित्त पोषित करने के पक्ष में 219. ओबामा की एक तस्वीर जिसमें वे एक अस्पताल में मरीज को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उसके दोस्त को गले लगा रहे हैं ओबामा 2012 में कोलोराडो विश्वविद्यालय के अस्पताल में औरोरा गोलीबारी के एक पीड़ित से मिलने गए सैंडीहुक एलिमेंट्री स्कूल की शूटिंग के एक महीने बाद 16 जनवरी 2013 को ओबामा ने 23 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और बंदूक नियंत्रण के संबंध में व्यापक प्रस्तावों की एक श्रृंखला की रूपरेखा तैयार की 220 सौ उन्होंने कांग्रेस से सैन्य शैली के हमला हथियारों पर समाप्त हो चुके प्रतिबंध को फिर से लागू करने का आग्रह किया जैसे कि हाल ही में कई सामूहिक गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए गोला बारूद पत्रिकाओं की सीमा दस राउंड तक लागू करें सभी बंदूक बिक्री पर पृष्ठभूमि की जांच शुरू करें कवचभेदी गोलियों के कब्ज़े और बिक्री पर प्रतिबंध पारित करें बंदूक तस्करों के लिए कठोर दंड लागू करें विशेष रूप से बिना लाइसेंस वाले डीलर जो अपराधियों के लिए हथियार खरीदते हैं और 2006 के बाद पहली बार संघीय अल्कोहल तंबाकू, आग्नेयास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो के प्रमुख की नियुक्ति को मंजूरी दे 222 सौ बाईस द न्यूयॉर्क टाइम्स के 2016 के संपादकीय में ओबामा ने सामान्य ज्ञान वाले बंदूक सुधार के संघर्ष की तुलना अमेरिकी इतिहास में महिलाओं के मताधिकार और अन्य नागरिक अधिकार आंदोलनों से की थी 2011 में ओबामा ने पैट्रियट एक्ट के चार साल के नवीनीकरण पर हस्ताक्षर किए दो सौ तेईस व्हीसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन द्वारा 2013 में वैश्विक निगरानी के खुलासे के बाद ओबामा ने लीक की निंदा करते हुए इसे देशभक्तिहीन बताया दो लेकिन गोपनीयता के उल्लंघन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए पर प्रतिबंध बढ़ाने का आह्वान किया 225, 226 ओबामा ने कुछ सुधारों को लागू करते हुए जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा स्थापित निगरानी कार्यक्रमों को जारी रखा और उनका विस्तार किया दो उन्होंने ऐसे कानून का समर्थन किया जो एनएसए की एक ही कार्यक्रम के तहत थोक में फ़ोन रिकॉर्ड एकत्र करने की क्षमता को सीमित करता और विदेशी खुफ़िया निगरानी न्यायालय एफआईएससी में अधिक पारदर्शिता लाने का समर्थन करता 227. नस्लीय मुद्दे यह भी देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल और जातीयता राष्ट्रपति के रूप में अपने भाषणों में ओबामा ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में नस्ल संबंधों के बारे में अधिक स्पष्ट संदर्भ नहीं दिए दो सौ लेकिन एक अध्ययन के अनुसार उन्होंने निक्सन युग के बाद से किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में अफ्रीकी अमेरिकियों की ओर से मजबूत नीति कार्रवाई को लागू किया 230. ओबामा के चुनाव के बाद कई लोगों ने पोस्टरेसियल अमेरिका के अस्तित्व पर विचार किया 231, 232, हालांकि नस्लीय तनाव जल्द ही स्पष्ट हो गया 231, 233 और कई अफ्रीकी अमेरिकियों ने ओबामा पर निर्देशित एक तीव्र नस्लीय दुश्मनी के रूप में जो देखा उस पर नाराजगी व्यक्त की दो ट्रेवॉन मार्टिन की हत्या के बाद जॉर्ज जिमरमैन को बरी किए जाने से राष्ट्रीय आक्रोश फैल गया जिसके कारण ओबामा ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 35 साल पहले ट्रेवॉन मार्टिन में हो सकता था 235 मिसौरी के फर्ग्यूसन में माइकल ब्राउन की शूटिंग ने विरोध की लहर पैदा कर दी 236 इन और अन्य घटनाओं ने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को जन्म दिया ओबामा के राष्ट्रपति काल के दौरान कई घटनाओं ने अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय और कानून प्रवर्तन से असहमति पैदा की और ओबामा ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बनाने की कोशिश की जिसके मिश्रित परिणाम मिले कानून प्रवर्तन में कुछ लोगों ने ओबामा द्वारा नस्लीय पूर्वाग्रह की निंदा की आलोचना की जिसमें पुलिस की कार्रवाई के कारण अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों की मौत हो गई जबकि कुछ नस्लीय न्याय कार्यकर्ताओं ने पुलिस के प्रति सहानुभूति के ओबामा के भावों की आलोचना की 238 मार्च 2016 के गैलप पोल में लगभग एक तिहाई अमेरिकियों ने कहा कि वे नस्लीय संबंधों के बारे में बहुत चिंतित हैं जो दो के बाद से किसी भी पिछले गैलप पोल की तुलना में अधिक है 239. एलजीबीटी अधिकार 8 अक्टूबर 2009 को ओबामा ने मैथ्यू शेपर्ड और जेम्स बर्ड जूनियर अपराध रोकथाम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए एक ऐसा उपाय जिसने उन्नीस के संयुक्त राज्य संघीय घृणापराध कानून का विस्तार किया जिसमें पीड़ित के वास्तविक या कथित लिंग यौन अभिविन्यास लिंग पहचान या विकलांगता से प्रेरित अपराधों को शामिल किया गया दो 30 अक्टूबर दो हजार नौ को ओबामा ने एचआईवी से संक्रमित लोगों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध हटा दिया प्रतिबंध हटाने का जश्न इमिग्रेशन इक्वेलिटी द्वारा मनाया गया दो सौ इकतालीस बाईस दिसंबर दो हजार दस को ओबामा ने दो हजार दस के डोंट आस्क डोंट टेल रिपील एक्ट पर हस्ताक्षर किए जिसने दो हजार आठ के राष्ट्रपति अभियान में किए गए वादे को पूरा किया दो सौ बयालीस दो सौ तैंतालीस दो हजार सोलह में पेंटागन ने उस नीति को समाप्त कर दिया जो ट्रांसजेंडर लोगों को सेना में खुले तौर पर सेवा करने से रोकती थी 244 समलैंगिक विवाह उन्नीस में इलिनोइस राज्य की सीनेट के लिए एक उम्मीदवार के रूप में ओबामा ने कहा कि वह समान लिंग विवाह को वैध बनाने के पक्ष में है 245 2004 में अपने सीनेट अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि वह समान लिंग भागीदारों के लिए नागरिक संघों और घरेलू साझेदारी का समर्थन करते हैं लेकिन समान लिंग विवाह का विरोध करते हैं दो सौ छियालीस दो हज़ार आठ में उन्होंने यह कहते हुए इस स्थिति की पुष्टि की कि मेरा मानना है कि विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच होता है मैं समलैंगिक विवाह के पक्ष में नहीं हूं दो सौ सैंतालीस नौ मई दो हज़ार बारह को राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव के लिए अपने अभियान के आधिकारिक शुभारंभ के तुरंत बाद ओबामा ने कहा कि उनके विचार विकसित हुए हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से समान लिंग विवाह के वैधीकरण के लिए अपने व्यक्तिगत समर्थन की पुष्टि की ऐसा करने वाले वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए 248, 249, अड़तालीस सौ जनवरी 2013 को अपने दूसरे उद्घाटन भाषण के दौरान 204 ओबामा समलैंगिक अमेरिकियों के लिए पूर्ण समानता का आह्वान करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने और उद्घाटन भाषण में समलैंगिक अधिकारों या समलैंगिक शब्द का उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति बने दो सौ 2013 में ओबामा प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से हॉलिंग्सवर्थ बनाम पेरी समान लिंग विवाह के संबंध में दो और यूनाइटेड स्टेट्स बनाम विंसर विवाह अधिनियम की रक्षा के संबंध में के मामलों में समान लिंग वाले जोड़ों के पक्ष में फैसला सुनाने का आग्रह किया 253 आर्थिक नीति मुख्य लेख बराक ओबामा प्रशासन की आर्थिक नीति सत्रह फरवरी 2009 को ओबामा ने अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट 2009 पर हस्ताक्षर किए जो कि सात डॉलर बिलियन 2023 में 1,118 बिलियन डॉलर के बराबर का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज है जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को घराते विश्वव्यापी मंदी से उबरने में मदद करना है दो इस अधिनियम में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे शिक्षा विभिन्न छूट और प्रोत्साहनों के लिए संघीय खर्च में वृद्धि और व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सहायता शामिल है 255 मार्च 2009 में ओबामा के ट्रेजरी सचिव टिमोथी गेथन ने वित्तीय संकट के प्रबंधन के लिए और कदम उठाए जिसमें लीगेसी एसेट्स के लिए सार्वजनिक निजी निवेश कार्यक्रम शुरू करना शामिल है जिसमें मूल्यह्रास वाली अचल संपत्ति में दो ट्रिलियन डॉलर तक की खरीद के प्रावधान शामिल है ट्यू 2008 और 2009 में घाटे में भारी वृद्धि और उसके बाद गिरावट को दर्शाता ग्राफ घाटा और ऋण में वृद्धि 2001 से 2016। ओबामा ने मार्च 2009 में संकटग्रस्त ऑटोमोटिव उद्योग में हस्तक्षेप किया दो पुनर्गठन करते समय संचालन जारी रखने के लिए जनरल मोटर्स जीएम और क्रिसलर के लिए ऋण का नवीनीकरण किया अगले महीनों में व्हाइट हाउस ने दोनों फर्मों के दिवालिया होने की शर्तें तय कीं, जिसमें क्रिसलर को इतालवी वाहन निर्माता फिएट को बेचना दो और जीएम का पुनर्गठन शामिल था जिससे अमेरिकी सरकार को कंपनी में अस्थायी रूप से 60 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी मिली दो जून 2009 में आर्थिक प्रोत्साहन की गति से असंतुष्ट होकर ओबामा ने अपने मंत्रिमंडल से निवेश में तेजी लाने का आह्वान किया 260 सौ उन्होंने कार भत्ता छूट प्रणाली पर हस्ताक्षर किए जिसे आम बोलचाल की भाषा में कैश फॉर क्लंकर्स के रूप में जाना जाता है जिसने अस्थायी रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया 14 जुलाई 2009 को हाउस डेमोक्रेटिक नेताओं ने अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए एक शून्य एक पृष्ठ की योजना पेश की जिसे ओबामा चाहते थे कि कांग्रेस 2009 के अंत तक मंजूरी दे दे 301 सौ एक 2009 के कांग्रेस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सार्वजनिक बहस के बाद ओबामा ने 9 सितंबर को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में एक भाषण दिया जहां उन्होंने प्रस्तावों पर चिंताओं को संबोधित किया 305 मार्च 2009 में ओबामा ने स्टेम सेल अनुसंधान के लिए संघीय धन का उपयोग करने पर प्रतिबंध हटा दिया 306 सात को सदन में सार्वजनिक विकल्प वाला एक स्वास्थ्य सेवा विधेयक पारित किया गया 307 सौ तीन सौ आठ चौबीस दिसंबर दो हज़ार नौ को सीनेट ने बिना किसी सार्वजनिक विकल्प के अपना विधेयक साठ से उनतालीस के पार्टी लाइन वोट से पारित कर दिया तीन सौ नौ इक्कीस मार्च दो हजार दस को सीनेट द्वारा दिसंबर में पारित रोगी संरक्षण और वेहन योग्य देखभाल अधिनियम एसीए बोलचाल की भाषा में ओबामा केयर सदन में दो से दो के मत से पारित किया गया ओबामा ने 23 मार्च 2010 को विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया 310. हंड्रेड में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान शामिल हैं जिनमें से अधिकांश 2014 में प्रभावी हुए जिसमें 2014 से संघीय गरीबी स्तर एफपीएल के 133 प्रतिशत तक कमाने वाले लोगों के लिए मेडिकेड पात्रता का विस्तार करना 311 सौ एफपीएल के 400 सौ प्रतिशत दो में चार लोगों के परिवार के लिए अट्ठासी डॉलर तक कमाने वाले लोगों के लिए बीमा प्रीमियम में सब्सिडी देना शामिल है ताकि वार्षिक प्रीमियम के लिए उनका अधिकतम आउट पॉकेट भुगतान आय का दो प्रतिशत से नौ दशमलव पांच प्रतिशत हो तीन सौ बारह व्यवसायों को स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना पहले से मौजूद स्थितियों के आधार पर कवरेज से इनकार करना और दावों को अस्वीकार करना स्वास्थ्य बीमा एक सचेंजों की स्थापना करना वार्षिक कवरेज कैप्स को प्रतिबंधित करना और चिकित्सा अनुसंधान के लिए समर्थन करना शामिल है व्हाइट हाउस और सीबीओ के आंकड़ों के अनुसार आय का अधिकतम हिस्सा जो नामांकित लोगों को देना होगा वह संघीय गरीबी स्तर के सापेक्ष उनकी आय के आधार पर अलग अलग होगा 313 मेडिकेयर और मेडिकेड के निर्माण के बाद तथा ओबामा केयर के निर्माण के बाद बीमा रहित दरों में उल्लेखनीय कमी को दर्शाने वाला ग्राफ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वास्थ्य बीमा के बिना व्यक्तियों का प्रतिशत उन्नीस से दो स्रोत तीन इन प्रावधानों की लागत करो शुल्कों और चत उपायों से ऑफसेट होती है जैसे उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए नए मेडिकेयर कर इनडोर टैनिंग पर कर पारंपरिक मेडिकेयर के पक्ष में मेडिकेयर एडवांटेज कार्यक्रम में कटौती और चिकित्सा उपकरणों और दवा कंपनियों पर शुल्क तीन उन लोगों के लिए भी कर दंड है जो स्वास्थ्य बीमा नहीं लेते हैं जब तक कि उन्हें कम आय या अन्य कारणों से छूट नहीं दी जाती है तीन सौ सोलह मार्च 2010 में सीबीओ ने अनुमान लगाया कि दोनों कानूनों का शुद्ध प्रभाव पहले दशक में संघीय घाटे में एक बिलियन डॉलर की कमी होगी 317 कानून को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित कि अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए बाध्य करने वाला एक व्यक्तिगत आदेश असंवैधानिक था 28 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाम सेबेलियस में पांच से चार वोट से फैसला सुनाया कि यह आदेश अमेरिकी कांग्रेस के कर प्राधिकरण के तहत संवैधानिक था 318 सौ बरवेल बनाम हॉबी लॉबी में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निकट स्वामित्व वाले लाभ प्राप्त निगमों को धार्मिक स्वतंत्रता बहाली अधिनियम के तहत धार्मिक आधार पर एसीए के तहत अपनाए गए नियमों से छूट दी जा सकती है जिसके लिए उन्हें कुछ गर्भनिरोधकों को कवर करने वाले बीमा के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होगी जून 2015 में कोर्ट ने किंग बनाम बरवेल में छह से तीन से फैसला सुनाया कि व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने में मदद करने के लिए सब्सिडी संघीय एक्सचेंज और राज्य एक्सचेंज दोनों पर ऐसा करने वालों के लिए अधिकृत थी न कि केवल उन लोगों के लिए जो राज्य द्वारा स्थापित योजनाएं खरीदते हैं जैसा कि कानून में लिखा है थ्री विदेश नीति मुख्य लेख बराक ओबामा प्रशासन की विदेश नीति कैप्शन देखें चार जून दो काहिरा विश्वविद्यालय में अपने भाषण एक नई शुरुआत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने अन्य लोगों के साथ जमाल खशोगी बामबांग हरमूर्ति और नहुम बार्निया के साथ एक गोलमेज साक्षात्कार में भाग लिया फरवरी और मार्च 2009 में उपराष्ट्रपति जो बिडेन और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने रूस और यूरोप के साथ अमेरिकी विदेश संबंधों में नए युग की घोषणा करने के लिए अलग अलग विदेश यात्राएं की जिसमें पिछले प्रशासन की नीतियों में बड़े बदलावों का संकेत देने के लिए ब्रेक और रीसेट शब्दों का इस्तेमाल किया गया 320 ओबामा ने अरब उपग्रह टीवी नेटवर्क अल अरबिया को अपना पहला साक्षात्कार देकर अरब नेताओं तक पहुंचने का प्रयास किया 321 19 मार्च को ओबामा ने ईरान के लोगों और सरकार को नए साल का वीडियो संदेश जारी करते हुए मुस्लिम दुनिया तक अपनी पहुंच जारी रखी तीन सौ 4 जून 2009 को ओबामा ने मिस्र के काहिरा विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया जिसमें इस्लामी दुनिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में एक नई शुरुआत और मध्य पूर्व शांति को बढ़ावा देने का आह्वान किया 2011 में ओबामा ने यमन में एक ड्रोन हमले का आदेश दिया जिसमें अलकायदा के प्रमुख आयोजक होने के संदेह में एक अमेरिकी इमाम अनवर अलवलाकी को निशाना बनाया गया और मार दिया गया अलवलाकी अमेरिका के पहले नागरिक बन गए जिन्हें अमेरिकी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया और उनकी मौत हो गई न्याय विभाग ने एक ज्ञापन जारी कर अलवलाकी की मौत को युद्ध के एक वैध कृत्य के रूप में उचित ठहराया 326, जबकि नागरिक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं ने इसे अलवलाकी के उचित प्रक्रिया के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताया हत्या से काफी विवाद हुआ तीन उनके किशोर बेटे और छोटी बेटी जो अमेरिकी भी थे बाद में अलग अलग अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए हालांकि उन्हें विशेष रूप से निशाना नहीं बनाया गया था 328, 329 अप्रैल 2016 में सऊदी अरब में जीसीसी शिखर सम्मेलन में ओबामा सऊदी अरब के शाह सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अन्य नेता मार्च 2015 में ओबामा ने घोषणा की कि उन्होंने सऊदी अरब के साथ संयुक्त योजना सेल की स्थापना करते हुए यमन में अपने सैन्य हस्तक्षेप में सऊदी को रसद और खुफिया सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी सेना को अधिकृत किया है 330, 331, 2016 में ओबामा प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ 115 बिलियन डॉलर के हथियारों के सौदों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा तीन सऊदी युद्धक विमानों द्वारा यमन की राजधानी सना में एक अंतिम संस्कार को निशाना बनाने के बाद ओबामा ने सऊदी अरब को निर्देशित युद्ध तकनीक की बिक्री रोक दी जिसमें 140 से अधिक लोग मारे गए 333 सितंबर 2016 में ओबामा को शी जिनपिंग और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपमानित किया गया था जब वे 2016 हजार सोलह जी बीस हांगजो शिखर सम्मेलन के लिए एयरफोर्स वन से हांगजो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मैक पर उतरे थे बिना हमेशा की तरह लालकालीन स्वागत के 334. इराक में युद्ध मुख्य लेख इराक युद्ध और इराक में अमेरिकी नेतृत्व वाला हस्तक्षेप दो से दो 27 फरवरी 2009 को ओबामा ने घोषणा की कि इराक में युद्ध अभियान 18 महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगा तीन ओबामा प्रशासन ने अगस्त 2010 तक युद्ध सैनिकों की वापसी पूरी करने का कार्यक्रम बनाया जिससे सैनिकों की संख्या एक लाख बयालीस हज़ार से कम हो गई जबकि 2011 के अंत तक इराक़ में लगभग पचास हज़ार का संक्रमणकालीन बल बना रहा 19 अगस्त 2010 को आखिरी अमेरिकी लड़ाकू ब्रिगेड इराक़ से बाहर निकल गई शेष सैनिकों ने युद्ध अभियानों से आतंकवाद रोधी और इराकी सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण उपकरणों और सलाह देने में बदलाव किया 336, सौ छत्तीस तीन अगस्त 2010 को ओबामा ने घोषणा की कि इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध मिशन समाप्त हो गया है 338, सौ अक्टूबर 2011 को राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा की कि सभी अमेरिकी सैनिक छुट्टियों के लिए घर जाने के लिए समय पर इराक छोड़ देंगे जून 2014 में आईएसआईएल द्वारा मोसुल पर कब्ज़ा करने के बाद ओबामा ने बगदाद में अमेरिकी कर्मियों और अमेरिकी दूतावास को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो सैनिक भेजे आईएसआईएस ने जमीन हासिल करना जारी रखा और बड़े पैमाने पर नरसंहार और जातीय सफाई की 340, 341 अगस्त 2014 में सिंजर नरसंहार के दौरान ओबामा ने आईएसआईएल के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों का अभियान चलाने का आदेश दिया 342 2014 के अंत तक 3100 अमेरिकी जमीनी सैनिक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध थे तीन और युद्ध के मैदान में 16000 उड़ाने भरी गईं जिनमें से अधिकांश अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के पायलट थे तीन 2015 की शुरुआत में बयासीवें एयरबोर्न डिवीजन के पैंथर ब्रिगेड के शामिल होने से अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुख्य लेख अफगानिस्तान में युद्ध 2001 से 2021 और इक्कीस और व्हाइट हाउस के बाहर कोलोनेड पर चलते हुए ओबामा और अन्य राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर मई 2009 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई बाएं और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ़ अली जरदारी दाएं के साथ त्रिपक्षीय बैठक के बाद ओबामा अपने चुनाव अभियान में ओबामा ने इराक़ में युद्ध को एक खतरनाक विकर्षण कहा और कहा कि इसके बजाय अफ़गानिस्तान में युद्ध पर जोर दिया जाना चाहिए तीन वह क्षेत्र जिसके बारे में वे कहते हैं कि यह सबसे संभावित है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ फिर से हमला किया जा सकता है 348 अपने राष्ट्रपति पद के आरंभ में ओबामा ने अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कदम उठाए उन्होंने अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति को स्थिर करने के लिए फरवरी 2009 में अमेरिकी सैन्यकर्मियों की संख्या बढ़ाकर सत्रह हजार करने की घोषणा की एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उसे रणनीतिक ध्यान दिशा और संसाधन नहीं मिले हैं जिनकी उसे तत्काल आवश्यकता है तीन उन्होंने मई दो में अफगानिस्तान में सैन्य कमांडर जनरल डेविड डी मैककिन की जगह पूर्व विशेष बल कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टेनली ए मैकेक्रिस्टल को नियुक्त किया जो दर्शाता है कि मैकाक्रिस्टल के विशेष बलों के अनुभव से युद्ध में आतंकवाद विरोधी रणनीति के उपयोग में सुविधा होगी 350 सौ एक दिसंबर 2009 को ओबामा ने अफगानिस्तान में अतिरिक्त तीस हजार सैन्यकर्मियों की तैनाती की घोषणा की और उस तारीख से 18 महीने बाद सेना की वापसी शुरू करने का प्रस्ताव रखा तीन यह जुलाई 2011 में हुआ डेविड पेट्रायस ने जून 2010 में मैकाक्रिस्टल की जगह ली जब मैकक्रिस्टल के कर्मचारियों ने एक पत्रिका लेख में व्हाइट हाउस के कर्मियों की आलोचना की तीन फरवरी 2013 में ओबामा ने कहा कि अमेरिकी सेना फरवरी 2014 तक अफ़गानिस्तान में सैनिकों की संख्या अड़सठ से घटाकर चौंतीस कर देगी तीन अक्टूबर 2015 में व्हाइट हाउस ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र अफ़गानिस्तान में अनिश्चित काल तक अमेरिकी सेना को रखने की योजना की घोषणा की 354 पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में ओबामा ने उसके कबायली सीमा क्षेत्र को अफ़गानिस्तान और अमेरिकियों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताया और कहा कि वे आतंकवादियों की शरणस्थली बर्दाश्त नहीं कर सकते उसी भाषण में ओबामा ने दावा किया कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में सफल नहीं हो सकता या अपनी मातृभूमि को सुरक्षित नहीं कर सकता जब तक कि हम अपनी पाकिस्तान नीति नहीं बदलते 355. ओसामा बिन लादेन की मृत्यु मुख्य लेख ओसामा बिन लादेन की हत्या ओबामा बिडेन और राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारियों की सिचुएशन रूम में तस्वीर जो बिन लादेन पर छापे की अपडेट को गंभीरता से सुन रहे हैं ओबामा और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के सदस्य एक मई 2011 को व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करते हुए यह भी देखें सिचुएशन रूम जुलाई 2010 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के गुर्गों से प्राप्त जानकारी से शुरू करके सीआईए ने अगले कई महीनों में खुफ़िया जानकारी विकसित की जिससे यह निर्धारित हुआ कि उनका मानना था कि ओसामा बिन लादेन का ठिकाना क्या था वह पाकिस्तान के एबटाबाद में एक बड़े परिसर में एकांत में रह रहा था जो इस्लामाबाद से 35 मील 56 किलोमीटर दूर एक उपनगरीय क्षेत्र है तीन सौ छप्पन सीआईए प्रमुख लियोन पेनेटा ने मार्च 2011 में राष्ट्रपति ओबामा को इस खुफिया जानकारी की सूचना दी तीन अगले छह हफ्तों के दौरान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक में ओबामा ने परिसर पर बमबारी की योजना को खारिज कर दिया और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स द्वारा सर्जिकल छापे को अधिकृत किया तीन यह ऑपरेशन 1 मई 2011 को हुआ और इसके परिणाम स्वरूप लादेन की गोली मारकर हत्या कर दी गई और परिसर से कागजात कंप्यूटर ड्राइव और डिस्क जब्त कर लिए गए तीन सौ सत्तावन डीएनए परीक्षण बिन लादेन की लाश की सकारात्मक पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पांच विधियों में से एक था तीन जिसे कई घंटों बाद समुद्र में दफना दिया गया था तीन एक मई की देर शाम वाशिंगटन डीसी से राष्ट्रपति की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर देशभर में स्वतःस्फूर्त जश्न मनाया गया क्योंकि व्हाइट हाउस के बाहर और न्यूयॉर्क शहर के ग्राउंड जीरो और टाइम्स स्क्वायर पर भीड़ जमा हो गई तीन सौ सत्तावन तीन सौ इकसठ घोषणा पर प्रतिक्रिया पार्टी लाइनों में सकारात्मक थी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी शामिल थे 362 क्यूबा के साथ संबंध मुख्य लेख क्यूबा का पिघलना क्यूबा के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते ओबामा की तस्वीर राष्ट्रपति ओबामा अप्रैल 2015 में पनामा में क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो से मुलाक़ात करते हुए 2013 के वसंत से कनाडा और वेटिकन सिटी के तटस्थ स्थानों में संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच गुप्त बैठकें आयोजित की गईं तीन वेटिकन पहली बार 2013 में शामिल हुआ जब पोप फ्रांसिस ने अमेरिका और क्यूबा को सद्भावना के संकेत के रूप में कैदियों का आदान प्रदान करने की सलाह दी तीन दस दिसंबर 2013 को क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षण में जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला स्मारक सेवा में ओबामा का अभिवादन किया और उनसे हाथ मिलाया 365 दिसंबर 2013 में ओबामा की अनुमोदन रेटिंग गिरकर उनतालीस प्रतिशत हो गई 431 2014 के मध्यावधि चुनावों से पहले आयोजित मतदान में ओबामा की अस्वीकृति रेटिंग 55 प्रतिशत पर पहुंच गई जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है 431, 436, 437 उनकी अनुमोदन रेटिंग 2015 के अधिकांश समय में पिछड़ती रही लेकिन साल के अंत तक यह 40 के उच्च स्तर पर पहुंचने लगी 431, 438 गैलप के अनुसार ओबामा की अनुमोदन रेटिंग मार्च 2016 में 50 प्रतिशत तक पहुंच गई जो मई 2013 के बाद से अभूतपूर्व स्तर है चार सौ जनवरी के 16 से 19, 2017 को आयोजित मतदान में ओबामा की अंतिम अनुमोदन रेटिंग उनसठ प्रतिशत थी जिसने उन्हें जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और ड्वाइट डी आइजनहावर के बराबर रखा जिनकी अंतिम गैलप रेटिंग भी उच्च पचास के दशक में मापी गई थी फोर ओबामा ने अपने राष्ट्रपति पद के बाद अपेक्षाकृत सकारात्मक सार्वजनिक धारणा बनाए रखी है 441 सौ गैलप के पूर्व राष्ट्रपतियों के पूर्वव्यापी अनुमोदन सर्वेक्षणों में ओबामा ने 2018 में और फिर 2023 में तिरसठ प्रतिशत अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की जिससे वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चौथे सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बन गए 442, 443 विदेशी धारणाएं सर्वेक्षणों से पता चला कि ओबामा के राष्ट्रपति बनने से पहले और उसके दौरान अन्य देशों में भी उनके लिए मजबूत समर्थन था चार सौ चवालीस चार सौ पैंतालीस चार सौ छियालीस फरवरी 2009 में है रिस इंटरेक्टिव द्वारा फ़्रांस 24 और इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून के लिए पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में किए गए सर्वेक्षण में ओबामा को सबसे सम्मानित विश्व नेता के साथ साथ सबसे शक्तिशाली भी माना गया था चार सौ मई 2009 में है रिस द्वारा किए गए इसी तरह के एक सर्वेक्षण में ओबामा को सबसे लोकप्रिय विश्व नेता के रूप में दर्जा दिया गया था साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अधिकांश लोग आर्थिक मंदी से दुनिया को बाहर निकालने की उम्मीदें लगाएंगे 448, 449 9 अक्टूबर 2009 को अपने पहले कार्यकाल के केवल नौ महीने बाद नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने घोषणा की कि ओबामा ने लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और सहयोग को मजबूत करने के अपने असाधारण प्रयासों के लिए 2009 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है 450, जिसने विश्व नेताओं और मीडिया हस्तियों से प्रशंसा और आलोचना का मिश्रण प्राप्त किया चार सौ इक्यावन चार सौ बावन चार सौ तिरपन चार सौ चौवन वह नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे अमेरिकी राष्ट्रपति बने और पद पर रहते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता बनने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने चार उन्होंने खुद इसे कार्रवाई का आह्वान कहा और टिप्पणी की मैं इसे अपनी उपलब्धियों की मान्यता के रूप में नहीं देखता बल्कि सभी देशों के लोगों की आकांक्षाओं की ओर से अमेरिकी नेतृत्व की पुष्टि के रूप में देखता हूं 456 धन्यवाद ओबामा मुख्य लेख धन्यवाद ओबामा 2009 में धन्यवाद ओबामा कहावत पहली बार ट्विटर हैशटैग में दिखाई दी और बाद में एक डिमोटिवेशन पोस्टर में इसका इस्तेमाल किया गया बाद में इसे किसी भी सामाजिक आर्थिक बुराई के लिए ओबामा को दोषी ठहराने के लिए व्यंग्यात्मक रूप से अपनाया गया ओबामा ने खुद 2015 और 2016 में वीडियो में इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया था 2017 में स्टीफन कोलबर्ट ने ओबामा के पद पर अपने आखिरी दिन आभार व्यक्त करने के लिए इस वाक्यांश का इस्तेमाल किया था राष्ट्रपति पद के बाद दो शू ने एक साथ वर्तमान कैप्शन देखें अक्टूबर 2017 में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री के साथ गोल्फ खेलते हुए ओबामा ओबामा का राष्ट्रपति पद 20 जनवरी 2017 को उनके उत्तराधिकारी डोनाल्ड ट्रम्प के उद्घाटन के साथ समाप्त हुआ चार सौ परिवार वाशिंगटन डीसी के कलोरमा में किराए के एक घर में चला गया चार सौ उनसठ दो मार्च को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम ने ओबामा को लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता और राजनीतिक साहस के मानक को ऊंचा उठाने के लिए प्रोफाइल इनकरेज अवार्ड से सम्मानित किया चार सौ साठ कार्यालय छोड़ने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति 24 अप्रैल को शिकागो विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में थी जहां उन्होंने नई पीढ़ी से राजनीति में भाग लेने की अपील की चार सौ सितंबर को ओबामा ने पूर्व राष्ट्रपतियों जिमी कार्टर जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ मिलकर खाड़ी तट और टेक्सा समुदायों में तूफ़ान हार्वे और तूफ़ान इरमा के पीड़ितों की मदद के लिए वन अमेरिका अपील के साथ काम किया चार 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ओबामा ने ओबामा फाउंडेशन के उद्घाटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की चार जिसका उद्देश्य उनके राष्ट्रपति पद के बाद का केंद्रीय केंद्र बिंदु होना और उनके राष्ट्रपति पद के बाद की गतिविधियों के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा होना था जो उनके कार्यकाल की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो फोर बराक और मिशेल ओबामा ने 22 मई 2018 को ओबामा की नवगठित प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड प्रोडक्शंस के तहत नेटफ्लिक्स के लिए डॉक्यू सीरीज़ डॉक्यूमेंट्री और फ़ीचर्स का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए चार सौ पैंसठ चार सौ छियासठ हायर ग्राउंड की पहली फ़िल्म अमेरिकन फ़ैक्ट्री ने 2020 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फ़ीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता चार 24 अक्टूबर को ओबामा को संबोधित एक पाइप बम को सीक्रेट सर्विस ने रोक लिया था यह कई पाइप बमों में से एक था जिसे डेमोक्रेटिक सांसदों और अधिकारियों को भेजा गया था चार सौ अड़सठ दो सौ एक नौ में बराक और मिशेल ओबामा ने वायक ग्राउजबेक से मार्था वाइनयार्ड पर एक घर खरीदा चार सौ उनहत्तर दोस्तों बात की जाए तो इस सीरीज के सेक्शनों की तो सात एपिसोड हमें देखने को मिले सेक्शन वन के साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है साथ ही साथ इसे बड़े स्केल पर शूट किया गया है बाकी दोस्तों आपको ये हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएगी बाकी और कुछ जानकारी जाननी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बाकी मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में